हरे कृष्णा हरि बोल। और जो है कार्तिक मास चल रहा है, अब भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है दीप भगवान के सामने जलाइए और भगवान को दीप अर्पित करिए, तुलसी महारानी को दीप अर्पित करिए, आकाश दीप जो है जलाइए और अब जितनी आपसे हो सके भगवान की सेवा करिए। और वैसे तो रोज़ प्रतिदिन हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के जो है दास हैं, दासों के भी दास हैं, उनके भी दास हैं, उनके भी दास हैं, ये भाव रख करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। और भगवान श्री राधा रमण जी की सेवा करनी चाहिए, भगवान श्री सीताराम जी की सेवा करनी चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। सभी में जो है भगवान का दर्शन करना चाहिए। किसी भी जीव को जो है हमारी वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी पशु पक्षी को हमारी वजह से कष्ट नहीं होना चाहिए और सब में जो है भगवत दर्शन करके जो है भगवान की निरंतर प्रेममय भक्ति भाव से सेवा करनी चाहिए। और जो है तुलसी महारानी वृंदा देवी की सेवा करनी चाहिए। कार्तिक मास में आप अधिक से अधिक तुलसी के जो है वृक्ष लगा सकते हैं और जो है तुलसी मैया सर्व पाप जो है हरने वाली हैं, सभी पापों को भस्म कर देने वाली हैं, नष्ट कर देने वाली हैं। और जो है जहाँ तुलसी, जिस घर में तुलसी मैया होती हैं, भगवान का वास उस घर में सदैव रहता है। वो घर बैकुंठ के समान है, साकेत के समान है, गो वृंदावन धाम के समान है। और जहाँ पे तुलसी मैया की सेवा होती है, आप रोज़ प्रतिदिन तुलसी में जल डालिए, उनका ध्यान रखिए, जब उनको धूप चाहिए, जब उनको जल चाहिए। और जो है तुलसी मैया सिर्फ साधारण एक वृक्ष नहीं है, वो तुलसी जिसके गले में तुलसी होती है उससे जो है भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस ये सब दूर रहते हैं। स्वप्न में भी जो है जो उसको बुरे विचार नहीं आते, जो तुलसी धारण करता है, तुलसी सेवा करता है, जो तुलसी अपने गले में धारण करता है तो यमदूत भी उसके पास नहीं आते। तो ऐसे तुलसी महारानी हैं, उनकी इतनी महिमा है, जिनको जो है भगवान के जो भोग प्रसाद में रखी जाती हैं, जो भगवान बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते, तो सोचिए तुलसी मैया की कितनी महिमा है। और कार्तिक मास में तो विशेष तुलसी महारानी की जो है सेवा करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, क्योंकि इसी कार्तिक में ही तुलसी जी का विवाह होता है भगवान शालिग्राम के साथ में। तो आप सदैव जो है तुलसी मैया की सेवा करिए। और फिर हम अपने जगन्नाथ भगवान जी के सामने भी एक दीप प्रज्वलित करते हैं, तुलसी मैया में दीप प्रज्वलित करते हैं और भगवान शिव को भी, ये तो मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रभु हैं भगवान भोलेनाथ, इनकी ही कृपा से मैंने भगवान श्री राधा रमण जी का जो है भक्ति पाया है, श्री राधा रमण भगवान की सेवा पाई है, इन्होंने मुझे श्री राधा रमण जी की सेवा प्रदान करी है। पहले मैं शिव जी को ही पहले मैं जो है अपना इष्ट मानता था, लेकिन भगवान शिव ने मुझे राधा रमण जी तक पहुंचाया है। हरे कृष्णा हरि बोल।